देखिए यू फोर कोड का है, यू फोर है, इसमें 41 से है सवाल। देखिए 41 नंबर है, ये रीजनिंग है या वट है, 15, 27 और ये फिर 21। देखिए कितना बड़ा है, 6 बड़ा हुआ है, तो इससे भी 6 बड़ा होगा, तो यहाँ कितना होगा 9, इसलिए आंसर 9 हो जाएगा। 41 के आगे है 42। 42 नंबर सवाल बोलता है कि सभी लड़के लड़कियाँ हैं, सभी लड़के लड़कियाँ, तो फोटो बनाते हैं सभी लड़के लड़कियां हैं, ये लड़की होगी, कोई लड़की मूर्ख नहीं है तो मूर्ख साइड में हो जाएगा, कोई लड़की मूर्ख नहीं है साइड में हो गया, इस कक्षा में कोई भी लड़के मूर्ख नहीं है, इस कक्षा में कोई भी लड़के मूर्ख नहीं है, एकदम सही है, एक नंबर सही होगा। दूसरा नंबर बोलता है कि कोई भी लड़का मूर्ख नहीं है, इस कक्षा में कोई भी लड़के ओहो ये गलत हो गया, इस कक्षा में कोई भी लड़के नहीं है ये बोला जा रहा है ना, तो कक्षा में तो लड़का है ही है, बोलता है लड़का नहीं है, ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा नंबर कोई भी लड़का मूर्ख नहीं है, तो एकदम सही है, कोई भी लड़का मूर्ख नहीं है, ये सही होगा। दो नंबर सिर्फ सही होगा, एक नंबर आपका गलत होगा। 43 बोलता है कुछ डॉक्टर मूर्ख है, तो कुछ डॉक्टर, ये डॉक्टर हो गया, मूर्ख हो गया, तो मूर्खियाँ डाल दिए, कुछ में कटता है काट दिए। उसके बाद बोलता है कि सुरेश डॉक्टर है, तो सुरेश डॉक्टर है, तो सुरेश यहाँ पर हो सकता है, सुरेश यहाँ पर हो सकता है, तो एक फिगर और इसमें हम बना सकते हैं, बड़ा हम बनाते हैं, कुछ डॉक्टर मूर्ख है, ये डॉक्टर हो गया और ऐसे हो गया मूर्ख, सुरेश डॉक्टर है, तो सुरेश यहाँ पर हो जाएगा और ये सुरेश यहाँ पर भी आ सकता है, सिर्फ फोटो बनाना है तो बना देते हैं, तो डॉक्टर, ये सुरेश और ये मूर्ख, क्योंकि डॉक्टर का घेरा पूरा है, कहीं भी सुरेश घूम सकता है, तो सुरेश यहाँ पर भी आ सकता है, क्योंकि डॉक्टर का घेरा यहाँ पर था, यहाँ तक है। तो पहला नंबर ऑप्शन बोलता है कि कुछ मूर्ख डॉक्टर हैं, कुछ मूर्ख डॉक्टर हैं, एकदम इसमें इन किया हुआ है, एक नंबर सही है। सुरेश मूर्ख है, तो सुरेश मूर्ख है, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि मूर्ख इसमें सुरेश गया है, इसमें गया रहता तो फिर मूर्ख होता, लेकिन इसमें आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, सुरेश मूर्ख है, दो नंबर एकदम गलत है, एक नंबर आपका सही है, एक नंबर सही, दो नंबर गलत, ये आंसर हो गया। अगला सवाल है 44, सभी कमरे नौवे हैं, सभी कमरे नौवे हैं, तो सभी कमरे, तो पहले हम कमरे लिखते हैं, यहां पर नावे हो गया, सभी कमरे नावे हैं, सभी नावे जलपोत हैं, तो जलपोत ऊपर से चलाएगा, तो सभी कमरे जलपोत हैं, एक नंबर बोलता है सभी कमरे जलपोत हैं, जलपोत के अंदर में ये होगा, तो सभी वाला सही होता है, एक नंबर सही हो गया। उसके बाद बोलता है कुछ जलपोत कमरे हैं, कुछ जलपोत कमरे, तो कमरा और जलपोत जब एक रिंग में होगा तो कुछ वाला सवाल वो सही ही होता है, आपको सही मारना है, इसलिए आपका ऑप्शन दोनों सही है। अगला सवाल बोलता है यह था 45 नंबर सवाल बोलता है कि सभी पौधे वृक्ष हैं, सभी पौधे वृक्ष हैं, वृक्ष हो गए, कोई भी वृक्ष हरा नहीं है, तो हरा को साइड में खींचना है, कोई भी वृक्ष हरा नहीं, तो हरा बगल में हो गया,
कुछ पौधे हरे हैं, तो पौधा और हरा में कोई कंसल्ट ही नहीं है, तो एक नंबर गलत हो गया। वे सभी पौधे जो हरे हैं वृक्ष नहीं हैं, वो सभी पौधे जो हरे हैं वृक्ष नहीं हैं, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, वृक्ष है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन आपका दो भी गलत है। आपका एक और दो दोनों गलत हो जाएगा। दोनों गलत है, 45 नंबर 46 नंबर आएंगे। 46 नंबर सवाल बोलता है, कोई भी टोपी कमीज नहीं है, टोपी कमीज, कोई भी टोपी कमीज नहीं है, कुछ कमीज पैंट, कुछ कमीज पैंट ऐसे हो जाएगा। कुछ पैंट टोपियां हैं, पहला नंबर, कुछ पैंट टोपियां, कोई कंसल्ट ही नहीं है, तो एक नंबर गलत हो गया। कुछ पैंट कमीज है, तो पैंट कमीज दो नंबर सही है, इसलिए दो सही होगा एक गलत होगा। अगला सवाल आएंगे 47। नंबर सवाल है, रूट अंडर 12। याद रखेंगे कि जब भी ये फैक्टर होगा 4:3 होगा, ऐसा फैक्टर करेंगे जो एक दूसरे को काटे नहीं, तो बस सिर्फ देखना अंदर में कि अंदर में क्या सिंबल है, प्लस, प्लस का मतलब बड़ा होता है, तो जो बड़ा हो गया तो इसलिए आपका आंसर 4 हो जाएगा, अगर माइनस रहा था तो 3 आंसर दे देते, बस हो जाता आंसर। 48, यदि x का m परसेंट, परसेंट मतलब 100, y इक्वल टू y कर दिए, अब बोला y का मतलब वो ना n परसेंट यदि x हो, तो कौन सा निष्कर्ष सही है या कौन सा गलत है यही बताना है। तो कुछ करना नहीं है, पहले हम देखते हैं कि m और n में रिलेशन रखना है, तो और सबको हटा देना है, तो का मतलब हम गुणा कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं x और y उधर से ले आते हैं, 100/m, x यहाँ था उधर से y ले आए, x उधर भेज दिए, ये ऊपर था ये नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से भी एक्स वाई का हम रिलेशन निकालते हैं, एक्स रहने दिए इधर, इधर से वाई को भेज दिए, तो एन बटा एक्स, ये दोनों एक्स वाई, एक्स बटा वाई का वैल्यू है, तो वैल्यू है तो बराबर तो होगा, तो बराबर होता है तो बराबर करते हैं, 100/m बराबर, अब यहाँ पर लिखेंगे एन बटा एक्स, ये एम एन बराबर कितना लिख सकते हैं, 1/4, बस यही आंसर हो जाएगा, एम एन बराबर 1/4, बी नंबर आंसर है। अगला सवाल आएंगे, 47। यदि किसी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, बस ये आंसर है 49। 15 नंबर सवाल है, यदि किसी आयत की लंबाई को 4 गुना कर दें, तो क्षेत्रफल में कितनी गुनी होगी, तो लंबाई को 4 गुना कर दे, तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई को 4 गुना कर दे, तो फिर सिर्फ 4 यहाँ लिखते हैं, 4 गुना करते हैं तो एक ही 4 आया, तो बस 4 गुनी आंसर हो जाएगा, कुछ करना नहीं है, लंबाई के स्थान पर सिर्फ 4 रख देंगे। याद रखेंगे कि यदि एक भी चीज में, किसी भी चीज में लंबाई बोले या चौड़ाई बोले, जितना बोले उतना ही बोल दो, आंसर हो गया। 4 गुनी बोला 4 गुनी कर दो, 5 गुनी बोला 5 गुनी कर दो, 8 गुनी बोला 8 गुनी कर दो, 10% वृद्धि बोला 10% बोल दो, कुछ करना ही नहीं है, आंसर होगी वही सेम होता है, ये तो पहले भी बता चुके हैं।
289 52 रूट अंडर 144। 144 कितना होता है 12 का, बारह यहाँ लिखते हैं। फिर देखिए ये सब स्टेप लिखने का नहीं होता, हमको समझाना, इसलिए लिखते हैं ये 4 और ये कितना हो रही है 6, 64 8 का लिख सकते हैं। ये 64 आया तो 8 का हो जाएगा 289 प्लस 8। अभी जोड़ दो 9 8 17 7 बाकी 1 8 1 9 अभी आ गया 297। 297 किसी का स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए आपका आंसर इसका हो जाएगा नन ऑफ दिज 200। ओहो गलत, यहाँ ऊपर लिखा गया 248 है ना, दो सौ अड़तालीस है यहाँ पे। अब करते हैं देखिए, ये 256 आपको दिख रहा है 16 के स्क्वायर होता है, बस 16 की यहाँ गलत लिखा गया था, इसलिए यह आंसर नहीं पोड़ रहा था, नहीं तो पोड़ता पक्का। बस पीछे साल करते जाना, आपको करना क्या है, बस एक लाइन में बनाने के लिए इसका 12 इसमें जोड़ दिए, 64 8 हो गया, 8 इसमें जोड़ दिए 256, बस आंसर लिख दिए 16। एक से लेकर 1100 तक में कितने अंक के प्रयोग किए जाते हैं, तो इसको करने के लिए आपको करना क्या है कि एक से लेकर 1100 तक, तो सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक हम चलते हैं तो 9 अंक का प्रयोग होता है, फिर 10 से लेकर हम 99 तक चलते हैं तो इसमें कितने डिजिट आए, इसमें पहले हम देखते हैं कि ये दोनों का अंतर जितना होता है एक बढ़ के होता है। 99 में 10 घटा 89 एक 90 पेज हो जाएगा, एक ज़्यादा होता है। जैसे हम करते हैं कि 10 से लेकर हम 15 तक चलते हैं, 10 11 12 13 14 15 10 से लेकर 15 तक चलते हैं तो आप को लगना चाहिए कि 5 ही होगा, लेकिन देखते हैं 1 2 3 4 5 6 अंक हो जाता है। उसी प्रकार से 10 से लेकर 99 तक जाएंगे तो 99 में 10 घटेगा 89 होगा, लेकिन एक प्लस हो जाएगा 90, तो 90 को पेज होगा लेकिन एक पेज में डबल अंक का प्रयोग किया गया तो 180 अंक का प्रयोग होगा। तो कहाँ तक चलना है हमको, 100 तक चलना है, तो 100 एक और बचा हुआ है यहाँ, तो 100 बचा हुआ तो 100 में तो 3 डिजिट होगा, तो 3 डिजिट यहाँ लिख देते हैं, सबको जोड़ते हैं 3 9 3 12 बाकी 1 ये 9 और ये 1, बस 192 यही आपका आंसर होगा। ये आंसर और 50 से लेकर है ना, देखिए चलिए ये भी आ गया तो सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको ये कहाँ से कहाँ तक निकल गया, 1 से लेकर 100 तक हम लिख दिए, 1 से लेकर 100 तक में इतने अंक का प्रयोग करके हम बना सकते हैं, लेकिन हमको बोला 50 से 100 तक चलना है, कोई दिक्कत नहीं इसको बना देते हैं। तो 50 से 100 तक, 50 से पहले 99 हम चलते हैं, तो 50 से 99 चलते तो 49 होगा, लेकिन होगा कितना 50, एक पन्ना में डबल अंक, 200 गुना करते हैं 100 हो गए, और 100 आया तो 100 आया तो 100 आया तो इसमें कितने अंक का प्रयोग होगा, 3 अंक, तो 3 इसमें जोड़ दो तो हो गया कितना 103, बस यही आंसर हो गया 103। अच्छा है चलिए ये भी सीख गए इसके बहाने, यानी कहने का मतलब ये सवाल ऐसा है कि आपके किताब है तो किताब में आप 1 से लेकर 9 तक लिखे कितना अंक लिखे 9 अंक, फिर 9 से लेकर 99 तक लिखे तो उसमें पेज आए कितना है 90, एक 10 लिखने में 2 डिजिट का प्रयोग, तो इसीलिए 90 गुना 2 180 हो गया। फिर 100 पन्ना है, 100 पन्ना में 100 3 डिजिट होता है, इसीलिए 3 डिजिट उसका हो गया, तो सबको जोड़े थे 192 आ गया, लेकिन हमको पूछा था 50 से 99, तो 50 से 99 पन्ना तक में हम जाएंगे तो 50 ही पेज आएगा, 50 पेज आएगा, एक पेज में डबल अंक, तो 50 पेज में 100 अंक, तो 100 अंक लिखाएंगे लेकिन एक पन्ना छोड़ गया मेरा, 100 में 1 2 3 अंक हुआ, 3 अंक एक्स्ट्रा जोड़ दिए 103 आ गया। अब 53 का आंसर तो 6 होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वर्गमूल करने पर, वर्गमूल यानी लास्ट में 6 आया तो 6 के स्क्वायर 36 होता है, बस इस तरह के सवाल को करना क्या है, बस लास्ट में देख लेना कि वर्गमूल करना है, तो वर्गमूल करेंगे तो लास्ट अंक को करेंगे 36 आया तो इकाई में क्या है 6, बस ये आंसर हो जाएगा।
54 नंबर आएंगे। चौवन नंबर सवाल बोलता है कि रूट थ्री तो यह सी नंबर ऑप्शन दिया है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बस इसको याद रखने रहना। 55 स्पिरिट तथा पानी के को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिशन को लागत मूल पर बेचने से 25% का लाभ हो। इस तरह के सवाल में हम एक सेकंड में बोले हैं कि सिर्फ 25% का सॉल्यूशन कर दिए, 25/100, 1/4 हो गया। स्पिरिट में पानी, यानी स्पिरिट बोला पहले उसके बाद पानी बोला, बस स्पिरिट का वैल्यू ज़्यादा मात्रा वाला लिखिए और पानी का वैल्यू कम मात्रा वाला, बस यही 4:1 आंसर हो जाएगा। दो लगातार वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 200 और 220 है, तो दर क्या है? तो 200 और 220 है तो कितने रुपये बढ़ गए? 20। तो ब्याज का सूत्र लगा दो, ब्याज बराबर मूलधन, जो ऊपर वाला होता है वो मूलधन होता है, समय एक साल का फर्क होता है, दर बटा 100, बस इसका सॉल्यूशन करना है, तो दर बराबर 10% आंसर हो जाएगा। देखिए 57 नंबर दिए तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, 10 का मान 0 से इन्फिनिटी तक चलता है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। 58 10% 20% और 40% बट्टा, तो पहले हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 10% बट्टा को 90, 20% 80 और 40% 60। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये 72 × 6 = 100 और यहाँ 10, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दिए। तो अब लिखने के बाद आपको अब चेक करना है कि 100 से ये कितना कम है, तो 100 से आपको दिख रहा है ऑप्शन से भी 56.8 ये दिख जाएगा, आंसर हो जाएगा, जितना कम होगा 100 से वही आंसर होगा। अगला ये 59 नंबर बोलता है ए एक काम को 9 दिन में, बी 9 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है, अगर ये 100 ये 150 दक्ष, दक्ष मतलब हम बताएं क्लास में मजदूर होता है, ये 3 और ये 2, ए का वैल्यू है 9, 3 मजदूर खटता है तो 9 दिन में काम पूरा होता है, एक मजदूर खटेगा तो 27 दिन में काम पूरा होगा, ये क्लास में बता चुके हैं। तो आंसर आपको पूछा जा रहा है कि बी कितने समय में पूरा कर पाएंगे, बी के पास कितने मजदूर हैं? 2, एक मजदूर तो 27 दिन, तो 2 मजदूर हम ले जाएंगे, तो 2 मजदूर ले जाएंगे, तो यहाँ पर चेक करते हैं, एक मजदूर देखिए 3 मजदूर खटता है तो 9 दिन लगता है, एक मजदूर खटेगा 27 दिन लगेगा, अगर 2 मजदूर खटवाएंगे तो कम समय लगेगा, कम के लिए भाग होगा 13.1, लेकिन ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसमें फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। ए एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है, ओहो देखिए ठीक है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है, ये तो ठीक है, लेकिन ये वैल्यू किसका, ए का है ना, तो ए लाओगे तो 2 मजदूर तो 9, तो एक मजदूर तो 18, आंसर पूछा जा रहा है बी, तो 3 मजदूर खटेगा, तो 3 मजदूर खटेगा 18/3 = 6, ये आंसर होगा। देख लीजिए फिर से इसको समझिए, ए किसी कार्य को 9 दिन में, बी बोला ए से 50% अधिक दक्ष है, ये 100 ये 150 ये 2 ये 3, अब उसके बाद बोला कि ए 9 दिन में, ए के पास मजदूर है 2 मजदूर तो 9, एक मजदूर खटेगा 18, आंसर पूछा जा रहा है बी के पास कितने मजदूर है, 3 मजदूर खटेगा तो 6, यही आंसर होगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, सम संख्या का औसत बराबर n+1 होगा, प्रथम बोला
तो प्रथम मतलब जो दिया है उसका एन का मान 10 बोला है, 10 लिख दिए, प्लस 1 11 आंसर। एक से लेकर 30 तक का योग, एक से लेकर 10 तक का योग, पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या, इसको 5 बार में काटेंगे, इक्वल टू 55 आंसर हो गया। इसके लिए सूत्र होता है, लिख देते हैं, पहली जोड़ अंतिम बटा 2 गुना संख्या, बस ये योगफल का सूत्र होता है, डालेंगे आंसर हो जाएगा। 63 नंबर तो सॉल्यूशन करना, ये सब से सॉल्यूशन हो ही जाएगा। 64 घन का विकर्ण रूट 3 गुना भुजा बराबर 4 रूट 3, रूट 3 रूट 3 कैंसिल, तो भुजा बराबर आपका हो गया 4। तो आयतन चाहिए, तो आयतन बराबर भुजा क्यों होता है, तो भुजा क्यों बराबर 64 आंसर हो जाएगा। आगे दिया है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 7/8, तो हमको पूछा जा रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर कितना होगा, तो इस तरह के सवाल में स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बराबर ये हो गया 49/64, इसका वैल्यू तो एक होगा, उनचास बटा 64। अब देखिए इसको इस तरफ ले जाएंगे, हम एक को ले जाएंगे इस तरफ तो माइनस आएगा, देखिए 49 में 64 घटेगा माइनस में आएगा, लेकिन कोई माइनस में है ही नहीं, इसलिए आपका आंसर हो गया नन ऑफ दिस, बस कोस थीटा और साइन थीटा का मान यही आंसर हो जाएगा। याद रखना कि जब भी इस तरह के सवाल है स्क्वायर कर देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर डालेंगे, आंसर तुरंत आ जाएगा, कोई आंसर ही नहीं है इसलिए नन ऑफ दिस हो गया। देखिए ये समानुपात का 3:27 समानुपात 5, इसका वैल्यू एक्स ले लो, 3/27 इसका मतलब बराबर 5/x, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 9 × 9 = 45 होगा, लेकिन ऑप्शन इसमें नहीं है, तो चलो दूसरा दिमाग लगाइए, रीजनिंग पर लगाते हैं, 3 का क्यों 27, 5 का क्यों 125, अगर इस पर नहीं बैठा तो रीजनिंग लगा लो कि 3 का क्यों 27, 5 का क्यों 125 आंसर हो जाएगा। एक से लेकर 70 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, इसको याद करना 19 होती है, इसको याद कर लीजिए, ये बनाने के नहीं है, बनाएंगे तो टाइम बहुत वेस्ट होगा, याद कर लेना है। 4 और 6 का मध्य समानुपात कितना होगा, तो मध्य समानुपात बराबर होता है रूट अंडर ए बी, यानी 4 और 64, 4 और 64, 4 का रूट 2, 64 8 इक्वल टू 16, बस ये आंसर हो गया। यदि 2 संपूरक कोण का अनुपात 3:5 है, पूरक कोण लिख देते हैं, पूरक कोण का योग 90 डिग्री, संपूरक कोण कोण का योग होता है 180 डिग्री, तो यहां 3:5 है ए और बी, दोनों का जोड़ 180, 8 में 180, 1 में हो गया 180/8, तो आंसर पूछता है कि दोनों का अंतर क्या होगा, अंतर कितने हैं 2, तो 2 में हम निकालेंगे 180/8 इक्वल टू 2, 4 बार में कटेगा, इसको 2 बार में, इसको 90 बार में, तो 45 आएगा, लेकिन ऑप्शन में एक भी नहीं 45 है, इसलिए आपका आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। इसका याद रखना है पूरक कोण का योग 90, संपूरक कोण का योग 180। अगला सवाल बोलता है किसी प्रतियोगिता में सदैव होती है, सदैव क्या होती है, प्रतिस्पर्धा, यानी आगे बढ़ने का ललक, ये प्रतिस्पर्धा होगा आंसर। अगला बोलता है किसी भाषा में मैन को NOBCOP मैन MAN मैन को लिखा गया है, NOBCOP
देखिए इसका डबल 3 है इधर 6 हो गया, इसका मतलब एम 13 होता है तो 14 15 लिख दिया, ये एक होता है 2 3 लिख दिया, यानी एक को बढ़ा के लिख दिया है, जितना है बढ़ा के लिख दिया, तो हमको लिखना है किसको, एच ए पी 8 9 10 हो गया, 1 BC 16 17 18 क्यों और आर, बस ये आंसर होगा। अगला है 9:15 सूत्र है 60H-11M/2, इस सूत्र पर डालेंगे आंसर हो जाए, H मतलब ये 9 और M मतलब ये 15, बस सूत्र पर डालोगे आंसर आ जाएगा, ये कई बार बता भी चुके हैं, इसको सभी को हल करेंगे आंसर हो जाएगा। ये 72 नंबर का है, जिस प्रकार बीमारी का संबंध अज्ञानता से उसी प्रकार अज्ञानता का संबंध किससे, तो इसमें शिक्षा से होगा, यानी बीमारी अज्ञानता से, तो इसमें शिक्षा आंसर हो जाएगा। भिन्नी छांटे 74 81 49 169 121 25, देखिए सब स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 5, देख लीजिए ये किसी अंग से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा, लेकिन ये हो रहा है, तो सबसे अलग कैटेगरी क्या होगा, 3 से ये कट रहा है लेकिन कोई अंग किसी से नहीं कट रहा है, इसलिए आपका आंसर 81 होगा। सभी को सही बनाने के लिए किन चिन्हों को बदला जा सकता है, तो ये तो दिमाग लगा के आप बना सकते हो, बहुत आसान है, प्लस माइनस वाला है, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं। 76 नंबर बोलता है, साक्षात्कार लेने के लिए प्रबंध निदेशक ने सभा कक्ष में 12:30 बजे से 10 मिनट पहले पहुँचे, 12:30 बजे से 10 मिनट पहले पहुँचे इसका मतलब 12:20 में पहुँचे, कोई दिक्कत नहीं है, 12:30 बजे से 10 मिनट पहले यानी 12:20 वे सभापति जी से 20 मिनट पहले पहुंचे, प्रबंध निदेशक के बारे में बोला, वह सभापति जी से 20 मिनट सभापति जी से 20 मिनट पहले पहुंचे, यानी 20 मिनट पहले यह आके तैयार है, इसका मतलब 20 मिनट बाद में सभापति आया, यानी 12:40 में वह सभापति आया, इस प्रकार जो 30 मिनट विलंब से आए, ये 12:40 में पहुंचा, लेकिन 30 मिनट इसका विलंब हो गया, अब्सेंट हो गया, 30 मिनट नहीं था, इसका मतलब शुरू हो चुका है पहले से फिल्म, 30 मिनट पहले फिल्म शुरू हो चुका है, तो इसका मतलब 12:10 में ये शुरू हुआ, यही आपका आंसर है। अगला देखिए, अगला सिटिंग अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट का ये अधूरा सवाल है, इसका कोई भी आंसर सही सही नहीं निकलेगा, क्योंकि जे एल एफ के बारे में दिया, के ओ के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, इसलिए ये अधूरा सवाल है, इसका आंसर सारे गलत हैं। अस्सी नंबर, नीचे दिए गए श्रृंखला में ऐसे कितने चार हैं जिसके ठीक पहले 6 और लेकिन बाद में 7 है, ये तो गिनने वाला है, ठीक पहले 6 लेकिन उसके बाद में 7, ये सब गिन के आप कर सकते हैं, ये सब बताने कोई भी काम नहीं है, मध्य में कौन होगा, ये कल भी बता चुके थे, MICROCOPY MICROSCOPE MICROCLINE MICRO TO
एम ए। पी तो इसमें सबसे पहले मिलान करने के लिए बोले थे एम आई सी आर 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 हो गया, उसका ओ भी मिल रहा है, ओ भी मिल गया, आगे बढ़ गए। उसके बाद सी एस सी टी पी, तो यहाँ सी का नंबर 3, एस का नंबर 19, सी का नंबर 3, टी का नंबर 20, पी का नंबर 16। देख लेते हैं कि ये एक नंबर होगा और ये भी एक नंबर पर चल रहा था, ये दोनों को देखना, एल और ओ, ओ 15, एल 12, एक नंबर ये, दो नंबर ये, खेला खत्म हो गया। उसका देखते हैं कि 16, 20, 19, तो 16 नंबर तो 3 नंबर जाएगा ही जाएगा, बस यही आंसर हो गया। अगला 82, नंबर सवाल है, सुनीता का जन्म नवंबर के अंतिम दिन आता है। सुनीता का जन्म बोला नवंबर के अंतिम दिन आता है, तो नवंबर, नवंबर तीसरा लगता है, यानी 30 तारीख को सुनीता का जन्म होता है। यदि माह बुधवार से प्रारंभ हुआ, एक तारीख को बुधवार है, तो हमको पूछता कि सुनीता का जन्म किस दिन हुआ था। तो सुनीता का जन्म किस दिन हुआ था, एक तारीख को बुधवार, तो 28 जोड़ दो, तो 29 तारीख को बुधवार, तो 30 तारीख को जन्म हुआ था, 30 तारीख ये गुरुवार, बस यही आंसर हो गया। बहन ने छाड़ ये तो कर सकते हैं। 84, कोई पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो पूर्व तो आपके इधर है, पूर्व दिशा की ओर चलता हुआ एक व्यक्ति अपने चलने के क्रम में कौन सी दिशा में मुड़े, वह अंत में दक्षिण की ओर हो जाए। यह ऑप्शन का सवाल है, ऑप्शन से चलते हैं। पहला ऑप्शन है दायां दायां दायां, तो दाहिना फिर दाहिना फिर दाहिना, तीन बार, तो दायां 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 बोले तो लास्ट में यह दक्षिण तो चल रहा है, इसलिए 1 नंबर ऑप्शन है, ऑप्शनल सवाल है ये। 85 तो ये चेक करने वाला चेक कर सकते हैं। 86, कुछ सवाल में रीजनिंग है, रीजनिंग में आप खुद दिमाग लगा सकते हैं। 86 देखिए, आपको पूछा जा रहा है कि एक के विपरीत क्या होगा, 1 3 2, 1 5 6, एक के विपरीत ऐसे भी काट सकते हैं आप, एक के बगल में 3 और 2 है, तो 3 और 2 कभी नहीं होगा, एक के बगल में 5 और 6 है, 5 और 6 कभी नहीं होगा, तो बच गया रेस्ट क्या, 4, तो 1 का विपरीत 4 हो जाएगा। जो बगल में होगा वो आंसर कभी नहीं होता, जो बच जाता वो आंसर होता, नहीं तो फिर इस पर बैठा सकते हैं, इस पर बैठाने के लिए जो कॉमन आया उसको डाल दो, 2 और 3 है, 2 और 3 डाल दिए, 1 के बगल में 6 और 5 है, 6 और 5 देखते, जो नहीं दिखता उसका बीच वाला उल्टा होता है, 1 का उल्टा 4 आंसर हो जाएगा। या ए का अभिप्राय प्लस बी का अभिप्राय माइनस, ये तो कर सकते हैं। 88, जो स्टूडेंट पूरा कोर्स नहीं किए हुए थोड़ा उसको दिक्कत होगा, फिर भी वीडियो वो देखिए, देखने के बाद कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, फिर हम क्लास लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 88, 8 जून 1857 को रविवार था, तो इस तरह के सवाल में सूत्र काम करता है, जो कैलेंडर पढ़े हुए तुरंत लिख दिए होंगे। कोड सबसे पहले इसका कोड 57, जो 2 कोड लिखना है 57, उसका 4 से भाग देते हैं, इसका सूत्र लिख देते हैं, 4 से भाग देते हैं, यहाँ भागफल लिखते हैं, उसका जून का कोड लिखते हैं मंथ, एम सी मंथ कोड, 8 तारीख है, 8 लिख दिए, 7 से डिवाइड कर दिए, 7 से डिवाइड करके यही सूत्र पर हम बनाते हैं सवाल को, जो पढ़े हुए हैं आराम से ये सूत्र का प्रयोग करके आप बना सकते हो, घर में तैयार कर सकते हो, नहीं तो फिर अगला जब सवाल आएगा तो पूरा बढ़िया से इसको कर देंगे। 89, साइन 20 कॉस 70, याद रखेंगे जब दोनों का जोड़ 90 पुड़ जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है, साइन और कॉस में उल्टा रहे तो 70 20 90
बस एक लिख दो आंसर हो गया। अगला सवाल है 90। 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में लंबाई और चौड़ाई को गुणा करते हैं। 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बनाया गया है। कमरा का क्षेत्रफल बराबर दरी का क्षेत्रफल। 1.6 मीटर चौड़ा दरी बिछाया गया था, दरी की लंबाई क्या होगी या कालीन, तो बस एक्स मान लो, ये से एक्स का मान याद रखना है कि जितना कमरा का क्षेत्रफल होगा उतना दरी का क्षेत्रफल होगा। बस कमरा का क्षेत्रफल इक्वल टू दरी का क्षेत्रफल हम कर दिए, चौड़ाई इसका चौड़ाई दिया है, लंबाई नहीं दिया, तो लंबाई निकाल सकते हैं। 91 नंबर सवाल है, इसमें कोई डिजिट नहीं दिया है इसलिए इसका ऑप्शन नन ऑफ दिज हो जाएगा, कोई डिजिट ही नहीं इसमें है। हमको क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल तो कुछ भी हम निकाल सकते हैं, इसका कुछ पता ही नहीं है इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दिज। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 92, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। अगर यह x है तो यह भी x है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल रूट 3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4:√3 बस आंसर, यहाँ से 4 चला गया, यहाँ आंसर हो गया। नाइन्टी थ्री आएंगे, नाइन्टी थ्री नंबर सवाल है कि एक कार के पहिए का व्यास 80 है, ये कार है व्यास 80 है तो त्रिज्या 40, 10 मिनट तक 66 किलोमीटर की दर से दौड़ता है, 66 किलोमीटर की दर से दौड़ता है तो मतलब दूरी ज्ञात कर लिए, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, 66 किलोमीटर 10 मिनट में, मिनट को घंटा बदल लीजिए, 11 किलोमीटर चलता है, तो हमको पूछता है कि कितना चक्कर लगा हुआ, चक्कर की संख्या, तो जब भी चक्कर की संख्या ज्ञात करना हो तो याद रखना है दूरी बटा परिधि, पिछला भी सवाल में आया हुआ था, तो दूरी 11 किलोमीटर, परिधि 2 पाए, पाए का मान 22/7, आर आर का वैल्यू 40, लेकिन ये किलोमीटर है, किलोमीटर को पहले आप मीटर में, और ये सेंटीमीटर है फिर 100 से, बस इसको हल करना है, तो हल करने के लिए 11 × 22 ये 25 बार में कट जाएगा, 25 बार में कट गया तो फिर इसको काट सकते हैं 0 0, ये भी 25 बार में कट गया, 625 हो जाएगा, बस 625 गुना 7, 7 × 5 35 के 5 बाकी 3, 7 × 2 = 14, 3 × 17 बाकी 1, 7 × 6 = 42, 1 = 43, बस 4375 आपका आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि चक्कर की संख्या बराबर दूरी बटा परिधि, दूरी बटा परिधि कर देंगे आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 94। 94 नंबर सवाल है, एक आदमी 94 तो ये अच्छा, एक आदमी एक कार खरीद कर, तो कार खरीदे हम मानते हैं कि खरीद यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मान लीजिए 100 खरीद कर, उसमें क्रय मूल्य से 10% मरम्मत पर दे दिया, 10% मरम्मत पर दे दिया 110, यानी 110 रुपया टोटल उसका खरीद पड़ा, और उसमें 20% लाभ पर 12,000 रुपया में बेच दिया, तो 20% लाभ पर, तो 20% लाभ पर बेल चाह 12,000 में, तो 20% लाभ हम चलते हैं, 110 रुपया टोटल लगा, तो 110 का 20% 120, 0 0 खत्म होंगे 132, यानी 132 में 12,000 में बेच दिया, तो बस जितना आ जाए उसमें डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर पूछता है कि कार का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य तो 100 ही है, 100 पर निकाल लेंगे आंसर तैयार हो जाएगा, शायद एक नंबर आंसर आ जाएगा इसी का सॉल्यूशन करने पर, ए या बी आएगा चेक कर लेना आप, इस जो भी आंसर आ जाएगा।
फिर से समझ लीजिए, क्रय मूल्य माने कितना 100, 10% मरम्मती पर 110, उससे 20% अधिक पर 20% अधिक किया 120 कर दिया, हो गया कितना 132। तो 132 जैसे हुआ तो कितना में ये बेच दिया, इतना में, जितना में बेचा उसे डिवाइड कर दिया। क्रय मूल्य पूछा तो क्रय मूल्य कितने हैं 100, बस 100 पर हल कर दिए, आंसर हो गया। अगला सवाल 95, यदि एक टंकी में लगे दो पाइप एक साथ कार्य तो हो तो 12 घंटे में टंकी भर जाती है, यानी ए और बी हम मानते हैं 12 घंटे में टंकी भर जाती है। यदि एक पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे जल्दी भरती है, ये सवाल तो हम शायद अभी तुरंत बनाए हुए हैं, हाँ बना हुआ है, 15 घंटा इसका 10 घंटे अधिक भरते हो, चलो फिर से कर देते हैं, 10 घंटे अधिक, ये शायद अभी तुरंत बना हुआ है सवाल, आंसर हो जाएगा 10 घंटे जल्दी भरते हो। यदि एक पाइप दूसरे पाइप से 10 घंटे जल्दी भरते हो, अगर ये x हुआ तो ये x माइनस 10 हो जाएगा, तो दोनों मिलकर है बार, तो दोनों मिलकर का सूत्र होता है गुना बटा जोर, गुना हो गया जोर, तो जोड़ेंगे 2x माइनस 10 इक्वल टू 12। तो ऑप्शन का सहारा लीजिए, पहला ऑप्शन है आपका 15 रखेंगे तो डिवाइड होगा नहीं, 10 रख के चेक करते ये जीरो पड़ जाएगा, और 30 रखते तो 30 में 10 घटा 20 गुना 30, 30 दुना 60, 60 में 10 घटा 50, अब 0 0 खत्म, 96 काटते हैं ये 12 पड़ गया, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 30, सी नंबर, नहीं वो पिछला सवाल क्लास में बताई थी इसलिए ऐसा लग रहा है 30 आंसर हो गया। फिर से देख लीजिए, दोनों को एक साथ हम अगर खोलते हैं तो 12 घंटा में, लेकिन पहला पाइप पहले से 10 घंटा कम मतलब माइनस होता है, तो दोनों मिलकर गुना बटा जोड़ होता है, गुना बटा जोड़ कर दिए, बस इसका सॉल्यूशन किए तो ऑप्शन रखे, ऐसे हल करेंगे द्विघात समीकरण आएगा, तो ऑप्शन से हल किए तो डायरेक्ट आंसर हो गया 12। अगला सवाल है, स्कूल के 3 अलग अलग अक्षरों से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, स्कूल लिखा हुआ है, देखिए 3 को शब्द बनाएगा 3 घेरा बना लीजिए, 4 को शब्द बनाएगा 4 घेरा बना लीजिए, तो ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों सेम है, तो एक मान लो 1 2 3 4 5 पाँचे पॉइंट बना, तो ये घेरा में पांचों आदमी को आने का अलाव है, पांच आदमी में से एक आदमी कोई पुट हो गया तो बचा कितना 4 आदमी आ सकता है, 4 आदमी पाँच को में से 2 को चला गया तो बचा कितना 3, तो इसमें 3 आदमी आ सकता है, बस गुना कर दो 4 3 12 12 5 60 बस आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए, स्कूल है ये डबल है तो ये सेम बन जाएगा, एक हो जाएगा, तो बचा कितना 1 2 3 4 5, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है तो पांचों में से कोई आदमी आ सकता है, पांच में से एक बैठ गया तो बचा कितना 4, फिर बचा कितना 3, बस सबको गुना कर देते आंसर हो जाता है 97। 97 नंबर सवाल वो है, एक बल्लेबाज 16 पारियों का एक निश्चित औसत से 17वीं पारी में 85 रन बनाया, 17वीं पारी में 85 रन बनाया, तो यहां पर बोला जा रहा है 3 की वृद्धि हो गई, तो पिछला पारी में करते हैं 16 3 48, बस 48 इसमें घटा लो आंसर हो जाएगा, जितने की वृद्धि होगा पिछल का पारी में गुना करके घटा लेते हैं आंसर हो जाता है। अगला सवाल आइए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगनी हो जाती है 99, दुगनी होने के लिए 4 साल चाहिए, तो पूछा जा रहा है कितने वर्षों में यह 8 गुनी हो जाएगी, 8 गुनी होने के लिए कितना पावर चाहिए 3, पावर जितना पावर चाहिए इधर गुना कर दो, बस 12 वर्ष आंसर हो गया। अगला 100 नंबर आइए, एक रेलगाड़ी मेरठ से संध्या 6 बजे चलकर, यहां मेरठ मानते हैं, संध्या 6 बजे चलकर 10 बजे पहुंच जाती है जहां पहुंचना होता है, 10 बजे दिल्ली पहुंच जाती है, यहां दिल्ली मानते हैं, तो 4 घंटे लिए समय 4 घंटा हो गया,
एक दूसरी रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 8 बजे चलकर, यहाँ से 8 बजे चला और 11:30 बजे पहुंच गया गाजियाबाद, तो ये लिया 3.5 घंटा समय। 3.5 घंटा लिया तो 3.5 घंटा को 7/2 लिख सकते हो या 3.25 लिख सकते हो, बराबर 7/2। तो दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से कब मिलेगी? तो सबसे पहले इसमें मुख्य पॉइंट होता क्या है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी नहीं दिया, तो एक्स मान लो, एक्स ले लिए। अब ये 6 बजे खुला, ये 8 बजे खुला, तो टाइम का डिफरेंट कितने हैं? टाइम का डिफरेंट 2 घंटा है, तो 2 घंटा ये चल देगा, तो समय ये लिया 4, समय 4 ले रहा है और दूरी कितने माने हैं? x, तो दूरी x हो गया। ऊपर इसको खींचते हैं, बोर्ड भर जाएगा ये, चलो रहने दो। दूरी x हो गया, तो चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यहाँ पर चेक कीजिए, तो दूरी भी इसका तो x है, चाल यहाँ हम चलते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, x बटा 7/2, तो 2x बटा कितना होगा? 7। तो ये 2 घंटा चलेगा पहले, तो 2 घंटा चला दो, 1 घंटा में एक्स बटा 4, तो 2 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा? चलते हैं, एक्स बटा 4 गुना 2 यानी इक्वल टू हो गया एक्स बटा 2, तो एक्स बटा 2 दूरी चल लिया तो बचा कितना शेष? एक्स बटा 2, आधा दूरी तय कर लिया तो बचा कितना? आधा, तो आधा अब दोनों मिल के तय करेगा, तो यहाँ तक आते आते पहुँच गया है 8 बज गया, आधा दोनों मिल के तय करेगा, तो समय, समय बराबर दूरी बचा है, दूरी बटा चाल, तो दोनों मिल के तय करेगा, तो ये इधर से खुल रहा है, ये वो उधर सारा ही जुटेगा, 2x/7 हल करो, x/2। अब ये 7 यहाँ, यहाँ 8, 8 7 15, 15/28, 15x/28 हो गया। अब इसको हल कर दिए, x/2, 28 ऊपर और नीचे 15x, ये दोनों कैंसिल हो गए, 14 बार में कटेगा, 15/14/15, 60 से गुणा कर दिए मिनट बनाने के लिए, 15 चौके 60, ये 56 हो गया, यानी 56 मिनट के बाद मिलेगा, तो बच चुका था कितना? 8, तो इक्वल टू टाइम हो गया 8:56, बस ये आंसर हो। तो फिर से समझ लीजिए, 6 बजे खुली, 10 बजे पहुँची, 4 घंटा, 8 बजे खुली, 11:30 बजे पहुँचे, समय 3.5 घंटा, तो मान लिया दूरी x है, तो 2 घंटा पहले चला दो, 1 घंटा में x बटा 2, चाल बराबर दूरी बटा समय, x बटा 4, तो 2 घंटा चला, x बटा 2 आया, शेष बचा कितना? x बटा 2, यहाँ से फिर दोनों रेलगाड़ी खुलेगी तो बचा है x बटा 2, दूरी समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दोनों रेलगाड़ी की चाल जोड़ दिए, बस सॉल्यूशन किए, तो यहाँ पर आ गए 14/15, 14/15 को मिनट बनाने के लिए 60 से गुणा किए, 56 मिनट, 8 बज चुका था, 8:56 आंसर हो गया।